बसमिल मैं हूँ एसन हान और मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेटर एसन हान पे आपको खुश आमदी आज की एस पी एस सी लेक्चर कम्प्यूटर साइंस की प्रिपरेशन सीरीज वीडियो नंबर नाइनटीन शेयर करने लगा और आज के इस वीडियो में कंप्यूटर साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट एम सी क्यूज़ जो लेक्चर के टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए मैं आपसे शेयर करने लगूँ इससे पिछली वीडियो में मैं कुछ एम सी क्यूज़ ऑलरेडी आपसे शेयर कर चुका हूँ तो आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 41 है इस चैप्टर का टेम्परे स्टोरेज एरिया विद इन इज कॉल्ड हमने मुख्तारेरी स्टोरेज एरिया पढ़े हैं जिस तरह हमारे पास एक टेम्परे स्टोरेज एरिया होता है विद इन द सी यू जिसको कहा जाता है रजिस्टर और एक दूसरा टेम्परेरी स्टोरेज एरिया होता है जिसको हम कहते हैं रैम तो विद इन द सी यू जो टेम्परे स्टोरेज एरिया है उसको कहा जाता है रजिस्टर और इसकी करेक्ट ऑप्शन है ए ऑल ऑफ स्टोर्ड इन द रजिस्टर एक्स सेट तो इसका जो दुरुस्त ऑप्शन है सीपीयू इंस्ट्रक्शन सेट सीपीयू इंस्ट्रक्शन सेट क्या चीज होती है कि जब हम अपने सिस्टम में कोई भी चीज एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारा सिस्टम रैम में से इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए फैच करता है तो जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होती है या कम्प्लीट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन उसको कहा जाता है इंस्ट्रक्शन सेट या कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन उसको इंस्ट्रक्शन सेट कहा जाता है तो ये हमारे सिस्टम में स्टोर नहीं होती है. बल्कि एग्जीक्यूट हो तो इसकी करेक्ट ऑप्शन डी है इसके बाद रजिस्टर डेट कलेक्ट द रिजल्ट ऑफ कॉम्पिटिशन आर कॉल्ड तो कॉम्पिटिशनल स्टोरेज के लिए जो हम अपने पास रजिस्टर यूज़ करते हैं वो है एकोमोलेटव रजिस्टर इसके लिए मैंने तमाम रजिस्टर की जो टाइप्स हैं उन पे एक अलग वीडियो बनाई है अगर आप वो देखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल की प्ले में ज़रूर जाइएगा फिर उसके बाद आते हैं द साइज़ ऑफ एकोमोलेटर इज़ वन टू तो फोर बाइट अब हमारे पास फोर बाइट का एक रजिस्टर होता है और अगर हम उसको हाफ यूज़ करना चाहते हैं तो टू बाइट यानी कि सिक्सटीन बेट का भी यूज़ कर सकते हैं और मज़ीद उसको डिवाइड करके का भी यूज कर सकते हैं ये हमारे पे डिपेंड करता है। तो नॉर्मली वन से लेके फोर बाइट का साइज यूज़ करते हैं साइज ऑफ डी आई एस आई एस पी एंड बी पी कंट्रोल रजिस्टर ये सारे रजिस्टर्स की टाइप हैं तो इनका जो नॉर्मली साइज यूज किया जाता है वो है टू बाइट्स इन तमाम का यानी कि डी आई टू बाइट का एस आई टू बाइट का एस पी स्टे और बी पी स्टैक कंट्रोल रजिस्टर ये जितने भी हम यूज़ करते हैं दो दो बाइट्स के होते हैं विच इज़ नॉट ए काइंड ऑफ़ रजिस्टर हमारे पास फ्लैग रजिस्टर होता है सेगमेंट रजिस्टर होता है एक्मुलेटिव रजिस्टर होता है लेकिन मैथ के प्रोसेसर एक रजिस्टर नहीं है बल्कि को प्रोसेसर में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है ये हमारे पास एक अलग से हेल्पिंग प्रोसेसर होता है जिसको को प्रोसेसर कहा जाता है ये हमारे हमारे नॉर्मल प्रोसेसर की फंक्शनैलिटी को इन्हांस करता है तो इस पर भी अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे प्लेलिस्ट के लिंक में जाइएगा वहाँ पर आपको को प्रोसेसर की वीडियो मिल जाएगी हाउ मैनी इवेंट्स हैपन ऑन सीपी एग्जीक्यूटिंग एंड इंस्ट्रक्शन तो इसमें फोर इवेंट्स परफॉर्म होते हैं सबसे पहला है फैच जिसमें हम रैम में से इंस्ट्रक्शन सी की तरफ फ़ैच करते हैं फिर उनको इंटरप्रेट करके या डिकोड करके एग्जीक्यूट किया जाता है और फाइनली स्टोर किया जाता है तो फैच डी कोडिंग एक्जीक्यूशन एंड स्टोर ये चार स्टेप्स हैं टोटल विच ऑफ़ दैक्टर डज नाट अफेक्ट कम्प्यूटर प्रोसेसिंग स्पीड तो हमारी प्रोसेसिंग स्पीड में रजिस्टर का एक अहम रोल होता है रैम प्लेयर का रोल, रोल प्ले करती है और इसके अलावा स्पीड ऑफ सिस्टम क्लॉक ये तीनों चीज़ें हमारे सिस्टम की स्पीड में अहम रोल प्ले करती हैं लेकिन कीबोर्ड यह एक इनपुट डिवाइस है इसकी स्पीड के साथ कोई लेना देना नहीं है तो इसके जो करेक्ट ऑप्शन है डी द सी पी यू कंजिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट एक सी पी यू कंट्रोल यूनिट एंड ए एल यू दो उसके पार्ट होते हैं द डेटा दैट इज इनपुट इन इंटू ए एल यू मजा रजिस्टर So बल्कि हमारी प्रोसेसिंग को कंट्रोल कर रहा होता है सीपी यू जो भी काम कर रहा होता है ये सिर्फ उनकी निगरानी करता है जो हमारे स्टोरेज के लिए यूज होने वाले डिवाइस है वो है रजिस्टर जो कि एक स्मॉल स्टोरेज कैपेसिटी है विद इन दीपी रैम

स्टोरेज कहते हैं इसमें हम मैक्सिमम डाटा यूज कर सकते हैं विद मिनिमम अमाउंट ऑफ कॉस्ट। इंस्ट्रक्शन आर स्टोर्ड इन द प्राइमरी मेमोरी एज लॉन्ग एज प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटिंग ऑन द सिस्टम अब देखिए हम प्राइमरी मेमोरी के अगर बात करें तो ये है रैम और रैम के अंदर हमारी इंस्ट्रक्शन उस वक्त तक रहती हैं जब तक हम उस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं जब हम उस चीज़ को यूज़ करना छोड़ देते हैं तो उस चीज़ को सिस्टम स्वैप आउट कर लेता है और उसकी जगह नए आने वाली चीज़ें स्टोर कर ली जाती हैं तो करंटली अंडर द यूज़ चीज़ें रैम में होती हैं इसके अलावा उस उनको निकाल दिया जाता है The terms used to describe the steps of fetching, decoding, executing and storing the results of program instruction is machine cycle. Machine cycle refers to इंस्ट्रक्शन टाइम प्लस एग्जीक्यूशन टाइम इंस्ट्रक्शन टाइम क्या होता है कि जब हम रैम में से कुछ चीज़ एक् फैच करते हैं और उसको डी कोड करते हैं ये कहा जाता है आई टाइम या इंस्ट्रक्शंस टाइम और जब हम उनको एग्जीक्यूट करके आउटपुट डिवाइस पर आउटपुट भेज देते हैं तो ये टाइम कहलाता है एग्जीक्यूशन टाइम तो हमारा मशीन साइकिल इन दोनों की कम्बीशन से बनता है फिर उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन इज डन ड्यूरिंग द आई टाइम ऑफ द मशीन साइकिल डिकोडिंग द इंस्ट्रक्शन कि हम अपने इंस्ट्रक्शन को रैम से CPU की तरफ फैच करते हैं और फिर उसके बाद उसको डिकोड करते हैं तो ये कहलाता है आई टाइम एंड द यूनिट ऑफ रिप्रेजेंट्स एलेक्ट्रॉनिक सिंगल बेट इस ट्रांजिस्टर दर ऑल इंटर चिप्स लाइक चिप्स एक्सेप्ट पावर सपी अब इसमें जियो सैरेक्स मुख्तलिफ़ किस्म की चिप्स हैं जो कि इंटर की या इंटर की तरह की हैं लेकिन पावर पीसी एक डिफरेंट चीज़ है एंड फाइनल हमारा जो फाइनल हमारा एम सी क्लूज है विच ऑफ द फॉलोइंगल फॉर्म ऑफ मेमोरी तो इसमें है सेमी कंडक्टर रैम वोलाटाइल मेमोरी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि यह एक ऐसी मेमोरी होती है जो टम्प्रेरी स्टोरेज के लिए यूज़ होती है और जब तक हमारा सिस्टम ऑन होता है इसमें स्टोरेज रहती है और जैसे ही हम अपने सिस्टम को पावर ऑफ करते हैं तो इस स्टोरेज हमारी ख़त्म हो जाती है तो इसको कहा जाता है है और दूसरी है जिस तरह के, हमारी डिस्क के अगर हम को पावर ऑफ चेंजेबल डेटा तो अब इसमें पहली ऑप्शन है कैशे एंड सेकेंड है सेमी कंडर रैम ये दोनों टेम्परेरी स्टोरेज हैं फिर बात आती है फ्लैश रैम एंड प्रोग्रामेबल रोम तो ये दोनों परमानेंट स्टोरेज के लिए यूज होती हैं लेकिन अगर इन दोनों को कंपेयर कि किया जाए किया जाए तो प्रोग्रामेबल रोम जो हमारे पास यूज होती है उसमें डाटा परमानेंट स्टोर होता है लेकिन वो चेंजल नहीं होता यूजर उनको कॉमन वे में चेंज नहीं कर सकता लेकिन अगर हम उसको टेक्निकली देखें तो चेंजेबल होता है लेकिन जो फ्लैश रैम है वो हमारे पास परमानेंट भी है और चेंजेबल भी है तो इसकी जो है, RAM, जो है इसके जो मोस्ट सूटेबल कुरेक्ट ऑप्शन है फ्लैश रैम जो कि है ऑप्शन सी फिर उसके बाद आते हैं विच ऑफ द द फॉलोइंग इज सीक्वेंस टेक्नोलॉजी तो हमने रैम के बारे में ऑलरेडी एक वीडियो में पढ़ा था और उसमें हमने रैम की डिफरेंट कैटेगरीज और टाइप्स देखी थी तो हमने एक टाइप देखी थी एक हमने देखी थी स्टैटिक रैम अब डायनामिक रैम में क्या होता है कि हमारे जो रैम के अंदर स्टोर डाटा होता है वो दैसेज ऑफ टाइम उसके अंदर जो चार्ज कैपेसिटी होती है वो डिक्रीज होती रहती है और उस डेटा को मेनटेन रखने के लिए हमें उसको रिफ फ़्रेश करना पड़ता है यानी कि रिचार्ज करना पड़ता है ये चीज़ है डायनामिक रैम या डी रैम फिर उसके बाद आते हैं स्टैटिक रैम स्टैटिक रैम में ये होता है कि हमारे जो स्टोर डेटा होता है जिन ट्रांजिस्टर पर वो स्टोर होता है उनको अपना चार्ज मेंटेन करने के लिए रिफ्रेश की ज़रूरत नहीं होती तो इसको कहा जाता है स्टैटिक रैम अब इस आ, सवाल में जो हम देखते हैं तो इसके कुरेक्ट ऑप्शन है बी, जिसमें सबसे पहले स्लोएस्ट फॉर्म है डी रैम फिर उसके बाद है स्टैटिक डायनामिक रैम और फिर आर डी रैम एंड एं एस रैम इनके अगर तफी आपने देखनी है तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रैम वाले चैप्टर की लिंक प्रोवाइड कर दिया है तो आप उसको देख सकते हैं फिर आते हैं विच फॉर्म ऑफ रैम यूटिलाईज बैटरी पावर टू रिटेन द इंफॉर्मेशन वॉल कंप्यूटर इज ऑफ तो अब हमारे पास रैम के जितने भी कैटेगरीज हैं वो हमारा डेटा उस वक्त तक अपने पास स्टोर रखती है जब तक हमारा सिस्टम रनिंग कंडीशन में हो लेकिन जैसे ही हम उसको टर्न ऑफ करते हैं तो हमारा डेटा डिस्ट्रॉय हो जाता है लेकिन आपने कभी गौर किया होगा कि जब हम अपने सिस्टम को स्टार्ट करते हैं तो हमारे सिस्टम में कुछ इंफॉर्मेशन ऑलरेडी पहले से ही मैंटेन होती है जैसा कि हमारा टाइम डेट और इस तरह की मजीद कुछ इंफॉर्मेशन है जो अप टू डेट हमारे सिस्टम में सेव रहती है तो कभी आपने ये सोचा होगा ये ऐसा क्यों होता है ये ऐसा होता है सिमोस की वजह से सिमोस कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमी कंडक्टर रैम ये जो ऑप्शन डी है इसके अंदर छोटा सा एक ड्राई सेल लगा हुआ होता है जैसा कि हमारी रिस्ट वॉच में एक बड़ा सा सेल पड़ता है तो वो सेल इसके अंदर लगा हुआ होता है सीमोस के अंदर और ये ऑलरेडी वर्किंग कंडीशन में होती है अगर हमारा सिस्टम पावर ऑफ भी हो और ये सेल cell... कई सालों तक चलता है अगर एक सेल आपने अच्छी क्वालिटी का डाल दिया तो वो 10 से 15 साल तक भी चल सकता है और अगर ये सेल ख़राब हो जाए पुराना हो जाए आउट ऑफ फंक्शन हो जाए तो आप जब सिस्टम स्टार्ट करते हैं तो कुछ सेटिंग आपकी डिफॉल्ट वैल्यू में आ जाती है जैसे कि आपकी डेट एग्जैक्ट टाइम और ये चीज़ें जो होंगी वो आपको फिर एकोरेट नहीं मिलेगी जब आप अपने सिस्टम को रिस्टार्ट करेंगे तो उसमें मौज को ये फंक्शनलिटी है कि आपकी डेट टाइम और इसके साथ रेलिवेंट कुछ मजीदी इंफॉर्मेशन आपको अप टू डेट मिलती है चाहे आप जितने दिनों मर्जी बाद अपने सिस्टम को पावर ऑन करें फॉलिंग मोस्ट लाइकली तो हमारे पास रैम की जो बुनियादी दो कैटेगरीज हैं तो हमारे सिस्टम के अंदर जो कैशे यूज होती है उसके लिए हम यूज करते हैं स्टैटिक रैम जो कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन में है दुरुस्त ऑप्शन और इसके बाद जो डी रैम है वो हम उसको नॉर्मल रैम के तौर पर यूज करते हैं कैशे के हवाले से भी मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ मैं इस मौजूद डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा आपको दे, उसको देख सकते हैं कैश हमारे सिस्टम में किस तरह का फंक्शन परफॉर्म करती है और उसमें कितने टाइप्स हैं एक्सपेंशन स्लॉट्स कनेक्ट इंटरफ़ेस कार्ड टू द प्रेफरल डिवाइस तो एक्सपेंशन कार्ड के बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ और जो प्रेफरल डिवाइस हैं तो प्रेफरल डिवाइस उनको कहा जाता है जो हमारे सिस्टम के आउटसाइड पर कनेक्टेड होती हैं जैसे कि माउस कीबोर्ड माइक स्पीकर और प्रिंटर इस तरह की जितनी भी डिवाइस होती हैं जो आउटसाइड द हमारे सी पी जी होती हैं या कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड होती हैं थ्रू द पोर्ट्स उसको कहा जाता है प्रेफरल पोर्ट प्रोवाइड इंटरफेस बिटवीन एक्सपेंशन बोर्ड एंड डिवाइसेस। इज एंड साइकिल स्पीड साइकिल टाइम को सेकंड्स में और स्पीड को हम हर्ट्स में मेजर करते हैं तो यहाँ पे नैनो एंड हर्ट्स ये दो यूनिट ऑफ टाइम और यूनिट ऑफ स्पीड्स आपस में इक्विलेंट है तो इसके दुरुस्त ऑप्शन है टी विच इज द स्टोरेज एरिया कैप्ट विद इन द सी पी तो इसमें है लेवल वन कैशे जो अभी मैं आपको पिछले वीडियो में बता रहा था कि कैशे के बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ लेकिन यहाँ पर मैं मुखसरा बता देता हूँ कि कैशे बुनियादी तौर पर तीन लेवल में डिवाइड होती है लेवल वन लेवल टू एंड लेवल थ्री लेवल वन हमारे सिस्टम यानी कि सी के अंदर ही बनी हुई होती है बिल्कुल उसके साथ अटैच होती है लेवल टू भी और लेवल थ्री हमारे सी के आउटसाइड की आउट पर बनी होती है सी से मुराद हमारे जो प्रोसेसर चिप होती है यहाँ पे मैं उस सी की बात कर रहा हूँ तो लेवल वन हमारे सी के अंदर ही यानी कि हमारी जो प्रोसेसर चिप होती है उसके अंदर ही बनी हुई होती है विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजीज पर टेन टू दाइज ऑफ सी पी यू इंस्ट्रक्शन सेट तो इसमें है रिस्क रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट्स ये प्रोसेसर के एक टाइप है एक टाइप प्रोसेसर की हमारे पास होती है सी आई एस सी यानी कि कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट और दूसरा होती है रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट अब कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट हमारे पास उन प्रॉब्लम्स के लिए हम उसको यूज़ करते हैं जहाँ पे हमारी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बड़ी और कॉम्प्लेक्स होती है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं एस SI आई ऐसी सिक जिसको नॉर्मली कहा जाता है और रिस्क यानी कि रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ़ यूज़र्स ज़्यादा हों लेकिन हमारे पास सेम चीज़ बार बार यूज़ हो रही हो लाइक एक सर्वर है उसमें बहुत सारे यूज़र कनेक्टेड हैं तो उसमें हमारे मुख्तफ़ वर्क स्टेशन एंड टर्मिनल पॉइंट्स अटैच होते हैं जो कि एक ही चीज़ को पैराल में यूज़ कर रहे होते हैं करेंटली यूज़ कर रहे होते हैं तो उसके लिए हम जो प्रोसेसर के टाइप यूज करते हैं रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट और अगर हम बात करें सुपर कंप्यूटर की तो उसमें हम कॉम्प्लेक्स करते हैं ये दो प्रोसेसर पाइप लाइनिंग इसमें यह होता है कि हमारी एक इंस्ट्रक्शन सेट एग्जीक्यूट हो रही होती है तो हमारा उसकी का वेट नहीं करता बल्कि उसकी एग्जीक्यूशन के दौरान इंस्ट्रक्शन को फेच कर लेता है तो ये पाइपलाइनिंग इसको कहा जाता है और इसमें हमारे सिस्टम की स्पीड एनहांस हो जाती है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व द यूज़ ऑफ मल्टीपल प्रोसेसर इन अ सिंगल कंप्यूटर तो इसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं पैरेलल प्रोसेसिंग बिल्ड एन वोकैबुलरी ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट प्रोसेसर कैन एग्जीक्यूट ऑन अ गिवन कंप्यूटर इज कॉल्ड इंस्ट्रक्शन सेट इंस्ट्रक्शन सेट के बारे में भी हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं मेरी वीडियो की प्ले में आप जाके देख सकते हैं इंस्ट्रक्शन सेट जब हम किसी चीज़ को एग्जीक्यूट करते हैं तो उसमें जितने भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं उनको एज ए होल इंस्ट्रक्शन सेट कहा जाता है द प्रोसेसर डेस्क डिटरमिन हाउ इंडिविजुअल कंपोनेंट ऑफ द प्रोसेसर आर पुट टुगेदर ऑन ए चिप आर्किटेक्चर इसमें हमारे हमारे पास दो तरह के आर्किटेक्चर होते हैं प्रोसेसर को एम्बेड करने के लिए हमारे मदरबोर्ड के ऊपर एक होता है लूजली कपल एंड एक होता है टाइट कपल

रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट हमारे पास फास्टर होता है और ये साइज़ में भी स्मॉलर होता है जबकि कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट हमारे पास लार्जर होता है तो इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ द डिफरेंस बिटवीन रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट एंड कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट तो अगर हम कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट को देखें तो ये रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट के बन स्लोर होता है लेकिन ये हमारी कॉम्प्लेक्स और बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए काम आता है और इसको हम नॉर्मली सुपर कंप्यूटर में यूज़ करते हैं लेकिन रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट हमारे मैन फ्रेम कम्प्यूटर में यूज़ होता है जिसमें बहुत सारे यूजर्स एक चीज़ को पैरेलल में एक्सेस कर रहे होते हैं तो ये हमें ज्यादा यूजर्स को इंटरटेन करने के लिए काम आता है ओल्डर सिस्टम यूज्ड प्रोसेसर डेवलप्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड प्राइमरीली बाय मटरोला एंड द न्यूर सिस्टम यूज्ड प्रोसेसर डेवलप्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड प्रायमरीली बाय आईबीएम मोस्ट एम एंड पीसी जो प्रोसेसर ऑफ वर्ड साइज तो इसके जो करेक्ट ऑप्शन है सिक्सटी फोर पेट उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी थैंक यू फॉर वॉचिंगाफिज़